subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. बिग बॉस का घर ऐसा है जहां पे या तो बहुत अच्छे नाम बनते हैं या फिर अच्छे खासे नाम बिगड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक रहा दीपिका कक्कड़ का। सिमर के खत्म होने के बाद, यानी कि ससुराल सिमर का खत्म होने के बाद, लगातार ही हमें ये देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से दीपिका कक्कड़ को लोग भूलते जा रहे थे। लेकिन बिग बॉस में उनकी एंट्री बहुत धमाकेदार रही और साथ ही उनका खेल भी, जहां वो टास्क बेशक परफॉर्म कर पाती हो या ना कर पाती हो, लेकिन हर बार हमें टास्क के बाद उनका रोना धोना, उनका इमोशनल ड्रामा जरूर देखने को मिलता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप सभी को देखने को मिल सकता है कि बिग बॉस की फाइनलिस्ट नहीं बन पाएंगी दीपिका और ना ही एट द एंड ऑफ द डे विनर बन पाएंगी। जी हाँ, लेटेस्ट खबरों की माने तो दीपिका कक्कड़ का होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और इतना ही नहीं, शो के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि दीपिका कक्कड़ को एक और मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट उनका बढ़ाया नहीं जाने वाला है। उसके बाद अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते दीपिका का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ेगा और उसके बाद दीपिका का क्या होता है और उनके फैंस का भी। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज, इस शो से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.